गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज आवर लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर मोशन एंड वी डिस्कस अर्लियर दैट ग्राफ रिलेटेड टू द डीटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द ग्राफ. तो इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन वन, आपको गिवन है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. टाइम गिवन है सेकंड में, डिस्प्लेसमेंट गिवन है मीटर में. तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि इस तरीके से आपको ग्राफ गिवन है, ठीक है. ये स्ट्रेट लाइन और यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से आपको क्या दे रखा है अभी, एक ग्राफ दे रखा है. इस ग्राफ से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है कि हमें क्या क्या क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग 10 सेकेंड. डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग 10 सेकेंड. तो आप इस फर्स्ट में आपने देखा कि इस ये ड्यूरिंग 10 सेकेंड यानी 0, 2, 4, 6, 8, 10, इस पूरे मोशन को हमें डिस्क्राइब करना है. तो यहां देख लो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप हमें किसके बारे में देगा, वेलोसिटी के बारे में देगा. किसकी इंफॉर्मेशन देगा, वेलोसिटी. तो हम क्या कहेंगे, 0 से 2 सेकेंड, ठीक है. हम क्या बोलेंगे, 0 से 2 सेकेंड. 0 से 2 सेकेंड वो किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में है. वो किसमें है हमारा, यूनिफॉर्म मोशन में है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी. ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा है भाई, कांस्टेंट वेलोसिटी. 0 से 2 सेकेंड कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ. एंड नेक्स्ट आप अगर आप देखोगे, ठीक है, ये तो हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी. नाउ यहां आप क्या देख रहे हो कि कोई स्लोप नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है. तो हमारा डीटी ग्राफ, हमारा डीटी ग्राफ में जब ये आता था तो ये क्या बोलते थे, ऑब्जेक्ट किसके ऊपर है, रेस्ट के ऊपर है. ऑब्जेक्ट कहां है भाई, रेस्ट पे. तो हमने क्या कहा, ड्यूरिंग 2 to 4 सेकेंड ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट रेस्ट. ऑब्जेक्ट कहां है भाई, एट रेस्ट है. क्लियर है. नेक्स्ट, ड्यूरिंग 6 to 10 सेकेंड, ड्यूरिंग 6 to 10 सेकेंड अगेन हमारा ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ. तो 6 to 10 सेकेंड अगेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी. पॉइंट क्लियर आपको कि आपको मोशन कैसे बताना है. हमें ये पता है कि अगर ये पूरा कंप्लीट स्ट्रेट लाइन होता इस तरीके से तो हम सिंपली बोल देते कि ड्यूरिंग 10 सेकेंड हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. बट नाउ आप अगर यहाँ पर देखते हो, ठीक है, कि यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी है बट ड्यूरिंग 2 to 6 सेकेंड ऑब्जेक्ट किसके ऊपर है, रेस्ट पे है. देन 6 to 10 सेकेंड फिर ऑब्जेक्ट हमारा किसके ऊपर है भाई, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. तो हमें कंप्लीट जो जो सेकेंड्स होते हैं, जो जो टाइम इंटरवल होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको बताना होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे इसका बी पार्ट. तो बी पार्ट में क्या गिवन है, हाउ फार Did the object travel in the first second? How far? कितनी दूर वो first 2 सेकेंड में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूर उसने कवर किया है, कितनी दूरी कवर की है. तो ऑब्वियसली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं. तो आप फर्स्ट 2 सेकेंड में अगर देखोगे तो ऑब्जेक्ट ने कितना कवर किया भाई, 10 मीटर. तो इसका आंसर सिंपली आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 10 मीटर. क्लियर है. नाउ हम सी पार्ट को देखते हैं कि हमारा सी पार्ट क्या है. व्हाट वाज द वेलोसिटी ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड.
इस 2 सेकंड में हमारी वेलोसिटी क्या है? फर्स्ट 2 सेकंड, दिस इज योर फर्स्ट 2 सेकंड, लास्ट 2 सेकंड, दिस इज योर लास्ट 2 सेकंड। तो फर्स्ट 2 सेकंड यानी 0 से 2, तो 0 से 2 सेकंड में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है भाई? 10 मीटर। और टाइम हमारे पास कितना है भाई? 2 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर। टाइम कितना है? 2 सेकंड। तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर एंड द टाइम इज 2 सेकंड। तो व्हाट विल यू गेट? 5 मीटर पर सेकंड। तो ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप इजीली यहां से मैंने फॉर्मूले का यूज करके क्या है, आप इजीली इसका अगर स्लोप निकाल दोगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी। तो आप इसके स्लोप से भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं? स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? वेलोसिटी। और उसका फॉर्मूला क्या था? y2 - y1 x2 - x1। ये तो 0 0 है, तो x1 और y1 0 0, पर ये कितना है? 2 and 10। कर दो 10 - 0 2 - 0, कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। तो आप वेलोसिटी स्लोप से भी निकाल सकते हैं और देन आप इस फॉर्मूले से यूज करके भी निकाल सकते हैं। अच्छा रहेगा कि हम ग्राफ में किसको प्रेफरेंस दे? स्लोप को प्रेफरेंस दे। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट वाज द वेलोसिटी ड्यूरिंग नेक्स्ट 4 सेकंड। अच्छा, 2 सेकंड की हमने निकाल ली, उससे नेक्स्ट 4 सेकंड यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? 2 सेकंड टू 6 सेकंड, ड्यूरिंग 2 सेकंड टू 6 सेकंड। ओके, आपका टाइम कितना आ गया यहां से? 4 सेकंड। क्या आ गया आपका टाइम? 4 सेकंड। क्लियर है? चलो, अब यहां से हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हम इजीली क्या निकाल सकते हैं? स्लोप। स्लोप की वैल्यू निकालो भाई, y2 - y1 x2 - x1। तो दिस इज योर x1 and y1। ओके, नाउ दिस इज x2 and y2। तो हमने यहां पर क्या किया? 6 - 2, ठीक है, 10 - 10, 6 - 2, 0 / 4, कितना आ गया? 0। तो हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? 0। ऑब्जेक्ट किसके ऊपर है? रेस्ट के ऊपर है। पॉइंट क्लियर है? तो हमने क्या देखा? फर्स्ट 2 सेकंड हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या निकल कर आई भाई? 5 मीटर पर सेकंड। एंड ड्यूरिंग 2 सेकंड टू 6 सेकंड हमारी वेलोसिटी क्या निकल कर आई है? 0 मीटर पर सेकंड। नाउ हम निकालेंगे नेक्स्ट 4 सेकंड। नेक्स्ट 4 सेकंड यानी कि हम नेक्स्ट 4 सेकंड की बात करें, लास्ट 4 सेकंड की बात करें। किसकी बात करें? लास्ट 4 सेकंड। लास्ट 2 सेकंड होता तो हमें सिर्फ 8 to 10 निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ कितना गिवन है? लास्ट 4 सेकंड, यानी हमें निकालना है 6 सेकंड टू 10 सेकंड। फिर से आप स्लोप निकाल दो, इजिली आपकी वेलोसिटी निकल जाएगी y2 - y1 x2 - x1। नाउ 6 10, ये हो गया आपका x1 and y1। 10 20, ये आपका क्या हो गया? 10 और ये आ जाता है 20। तो आपका क्या हो जाएगा? 6 10 और 10 20। 20 - 10 10 - 6, आंसर आ गया 10/4, कितना हुआ? 2.5 मीटर पर सेकंड। 2.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपका हम बोलते हैं कि इस ड्यूरिंग, अब यहां से देखो, ए बी स्लोप की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड, बी सी स्लोप की वैल्यू है 0 मीटर पर सेकंड और सी डी स्लोप की वैल्यू है 2.5 मीटर
पर सेकेंड। क्लियर पॉइंट? तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमने इस क्वेश्चन को बड़े ही इजी तरीके से, हमने जो स्लोप की वैल्यू निकाली थी, स्लोप की वैल्यू आपकी क्या देगा, वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन देगी। डीटी ग्राफ में हम स्लोप निकालते हैं तो वेलोसिटी, और अगर वीटी ग्राफ में हम स्लोप निकालते हैं तो एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो आपने यहां से इजीली निकाल लिया। नाउ सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखना भाई, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है कि हमें ये दो ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है, हमें ये दोनों ग्राफ गिवन है, ठीक है। मैं यहां बना देती हूं ताकि क्लियरली विजुअलाइज हो आपको कि हमारे पास एक ग्राफ है ये, और नेक्स्ट ग्राफ है गिवन, ओके। क्वेश्चन टू क्या कहता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस ग्राफ, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस ग्राफ, ये जो ग्राफ्स हैं दोनों इनका नेचर बताना है। आपको पता है कि आपने ये जो स्लोप निकाला था, इस स्लोप की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है, इस स्लोप की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो स्लोप हमारा है नेगेटिव, और वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो किसकी इंफॉर्मेशन देता है, एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन देता है, किसकी इंफॉर्मेशन देता है, एक्सेलरेशन की। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, नेगेटिव। दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, इसमें क्या हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज विद टाइम, कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो मैं इसका एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि लेट हमने एक बॉल को ऊपर थ्रो किया, ठीक है, यहां से ऊपर थ्रो करने के लिए मुझे यहां से इसको क्या देनी पड़ रही है, वेलोसिटी देनी पड़ रही है। तो जैसे मैंने किसी बॉल को ऊपर थ्रो किया तो मैंने उसको क्या प्रोवाइड किया, कि वेलोसिटी प्रोवाइड की। आप क्या देखते हो कि जैसे 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 वो ऊपर बॉल जाती जाती है उसकी स्पीड क्या होती जाती है, कम होती जाती है। पॉइंट क्लियर है कि जैसे हमारी ये जो बॉल है, मान लो यहां वेलोसिटी क्या थी, 15 मीटर पर सेकेंड, जैसे जैसे ये बॉल जाएगी मान लो इस पॉइंट पे आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, इस पे आ गई 5 मीटर पर सेकेंड, और एक पॉइंट आएगा जहां पर क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो। पॉइंट क्लियर है कि हम जब किसी बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जब हम उसको वर्टिकली थ्रो करते हैं अपवर्ड, तो क्या होगा कि उसकी जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रही है। जब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में जाएगी तो उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी, और एक पॉइंट पे जो हमारी बॉल है वो किस में आ जाती है, रेस्ट पे आ जाती है, और एक हाइट को वो अचीव कर लेती है। तो उसके बाद फिर बॉल क्या हो जाएगी, वापिस आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये ड्यूरिंग कब है, कि जब वो बॉल है उसकी 15 मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लग जाती है, और एक टाइम पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, यानी बॉल किस पर आ जाती है, रेस्ट पे आ जाती है। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि यहां पर इसकी क्या थी, 15 मीटर पर सेकेंड थी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है हमारी जो वेलोसिटी है वो कम होती जा रही है, ठीक है, और एक पॉइंट आएगा जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये जो ग्राफ है इसका नेचर क्या है, इस पूरे ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली है, फर्स्ट स्लोप नेगेटिव है, यानी कि, और वीटी ग्राफ है तो स्लोप किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक्सेलरेशन, तो दैट मींस इसका एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। सेकंड चीज कि टाइम के साथ हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है,
तो हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर एक मैंने बॉल को थ्रो किया है इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी और एक टाइम के बाद एक टाइम पर जाकर वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन आप इस सेकंड ग्राफ में देखोगे ना, तो आप इस सेकंड ग्राफ में क्या देख रहे हो कि यहाँ जो वेलोसिटी है एक्सेलरेशन क्या है, या पॉजिटिव, या एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव, फिर यहाँ पर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि ड्यूरिंग दिस स्लोप हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है एंड ड्यूरिंग दिस स्लोप हमारी वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। एक बार इंक्रीज कर रही है, एक बार डिक्रीज कर रही है। तो इस तरीके से हम इसके एग्जांपल लें। और दूसरी बात आप देख रहे हो कि वीटी ग्राफ में ये सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब कि हमारी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव भी होती है, तो वीटी ग्राफ दोनों होगा। अगर हमारे पास इस तरीके से आता कोई, अभी मैंने ये लिया है यानी वो एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी स्ट्रेट लाइन में है, किसमें है, स्ट्रेट लाइन में, और वेलोसिटी क्या हो रही है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। इसका एग्जांपल सिंपल है कि एक बस ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, वो रोड पे जा रहा है, ठीक है, और वो रोड पे स्ट्रेट जा रहा है, उसी डायरेक्शन में ही जा रहा है, वो रिवर्स गियर नहीं डाल रहा है, ठीक है, वो किस में जा रहा है, उसी सेम डायरेक्शन में ही जा रहा है। लेकिन कभी उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, स्मूथ रोड आया तो ज्यादा हो गया, ब्रेकर आया तो वेलोसिटी कम होगी, तो हम उसका एग्जांपल ये बोल सकते हैं। अगर हमारे पास होता कुछ इस तरीके से, क्या होता, कुछ इस तरीके से, तो हम क्या बोलते हैं कि ड्यूरिंग दिस वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज बट इन ए स्ट्रेट लाइन। बाद में उसने क्या किया, रिवर्स का गियर डाल दिया या यू टर्न ले लिया, ठीक है, उसके बाद उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीज और डिक्रीज। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं इसमें कि वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, बट अब यहां पर एक ही डायरेक्शन नहीं है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो उसने या तो रिवर्स ले लिया है या यू टर्न ले लिया, उसने अपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो ये हमारे पास दो ग्राफ थे कि उस ग्राफ का जो नेचर है वो हमें क्या बताते हैं। नेक्स्ट ग्राफ की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई ध्यान से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, एक जो कार है वो एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, गाड़ी खड़ी है नॉर्मली, ठीक है, एक इंसान आया, उसने चाबी घुमाई और अब हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी, तो जो वो रेस्ट पर थी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। लेकिन अब वो स्टार्ट हो गई, तो क्या बिना रेस दबाए अब गाड़ी की स्पीड को बढ़ा सकते हो, नहीं, हमें गाड़ी की स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्सेलरेट करना पड़ता है, रेस देनी पड़ती है। तो उसने सेम वही किया कि जो गाड़ी थी वो पहले क्या थी, रेस्ट पर थी, उसने वेलोसिटी को क्या किया, बढ़ाया, उसने एक्सेलरेट किया, और वो जो एक्सेलरेशन है वो आपका क्या निकल कर आया भाई, अल्फा। वो एक्सेलरेशन क्या है, अल्फा, एट ए कांस्टेंट रेट। मतलब कांस्टेंट रेट का मतलब है कि कांस्टेंट रेट का मतलब है कि भाई जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसी के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि कुछ टाइम में एकदम से वेलोसिटी ज्यादा होगी फिर अगले टाइम में वेलोसिटी कम रेट से बढ़ रही है, नहीं, कॉन्स्टेंट रेट का मतलब है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है 1, 2, 3, 4 सेकेंड, वैसे वैसे हमारी 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी स्पीड बढ़ रही है, यानी कॉन्स्टेंट रेट के साथ बढ़ रही है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो हमारा जो VT का ग्राफ कैसे बनेगा भाई, एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, एक्सेलरेट कर रही है एट ए कॉन्स्टेंट रेट, तो ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फा, क्लियर है। नाउ After some time, कुछ टाइम के बाद it decelerate. Decelerate मैंने क्या बताया था, जहां पर स्पीड क्या होना स्टार्ट हो जाती है, कम, नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, decelerate, ठीक है, यानी इसके बाद अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी यहाँ पर एक मैक्सिमम वेलोसिटी वो अचीव कर लेते हैं और उस मैक्सिमम वेलोसिटी का मैंने नाम रख दिया Vm। तो आफ्टर सम टाइम, इसके बाद हमारी जो गाड़ी है
वो डी एक्सेलरेट करती है, किस रेट पे, कांस्टेंट रेट पे ही, लेकिन उसका जो रेट है वो हमने क्या बोले, उसका जो डी एक्सेलरेशन है वो क्या बोल दिया, बीटा, एंड कम्स टू रेस्ट, और उसके बाद वो किस पर आ गई, रेस्ट पर आ गई। तो आपका ग्राफ तो आपने इजीली बना लिया कि फर्स्ट रेस्ट से, यानी जब वेलोसिटी क्या थी, जीरो, हमारी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, एक्सेलरेट कर रही है विद एक्सेलरेशन अल्फा, देन एक मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव करने के बाद हमारी बॉडी फिर से डी एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि हमारी बॉडी की जो कार है या जो भी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट या कार, उसकी जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है एंड देन कम्स टू रेस्ट, ठीक है, और वहां का डी एक्सेलरेशन दे दिया हमारा बीटा। इफ टी इज टोटल टाइम इलेप्स्ड, ये टाइम कितना दे रखा आपको, टी, ये टोटल टाइम आपको कितना गिवन है, टी गिवन है, ठीक है। मैंने माना कि यहां तक जो टाइम था वो क्या था, टी वन एक्सेलरेशन का, और डी एक्सेलरेट का टाइम क्या था, टी टू, लेकिन टोटल टाइम क्या है, टी। नाउ फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय कार, हमें इस मैक्सिमम वेलोसिटी को फाइंड करना है, कैलकुलेट मैक्सिमम वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय कार, हमें क्या निकालनी है भाई, मैक्सिमम वेलोसिटी को निकालना है। तो आप मैक्सिमम वेलोसिटी को किस तरीके से निकालोगे, हमने यहां पर देखा कि हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने अल्फा की वैल्यू निकाली, एक्सेलरेशन हमारे पास कैसे निकलेगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, यही होता है, ठीक है। या हमें पता है कि वीटी ग्राफ है, तो ये स्लोप हमें किसकी वैल्यू देगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। आप यहां से भी निकाल सकते हो, स्लोप इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस में एक्स वन, स्लोप क्या आपका, एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या आपका, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इस एवल का, हम इसकी बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा, y2 आपका क्या है भाई, vm, y1 क्या है, जीरो, x2 आपका क्या है, t1। तो आपकी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, vm by tm, आपकी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, vm by tm। तो अल्फा की वैल्यू आ गई vm by t1, हमने इसको पुट कर दिया। नाउ हम कैसे निकालेंगे, ऐसे ही सिमिलरली हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो आप यहाँ चेंज इन वेलोसिटी से भी देख सकते हो, इस स्लोप में फाइनल वेलोसिटी वीएम है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो वीएम माइनस में जीरो, टाइम कितना है, टी वन, तो वीएम बाय टी वन ही इसका आंसर आएगा। नाउ हम क्या देख सकते हैं, सिमिलरली बीटा निकाल सकते हैं। अब आपका एक्स वन क्या हो जाएगा, x1 वन यहां से t1 निकल कर आ चुका है, ठीक है, या हम इस पॉइंट पे देखते हैं। नाउ ड्यूरिंग दिस इंटरवल हमारा टाइम क्या है, t2 है, ये वाला इतना टाइम हमारे पास कितना दे रखा है, t2 गिवन है, और यहां पर वेलोसिटी हमारे पास क्या है, जीरो, और यहां वेलोसिटी हमारे पास क्या है, vm। तो आपका सेम vm बाय t2, लेकिन आएगा नेगेटिव, नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि डी एक्सेलरेट कर रहे हैं, पॉइंट क्लियर है। यहां से मैंने टी वन और टी टू की वैल्यू निकाल दी, तो आपकी टी वन और टी टू की वैल्यू, टी वन यहां से आ जाएगा वीएम बाय अल्फा, और टी टू आपका क्या आ जाएगा, वीएम बाय बीटा। यहां से आपका क्या निकल कर आ चुका है, टी वन और टी टू की वैल्यू आ चुकी है। नाउ आप क्या करोगे, हमारा टोटल टाइम दे रखा है टी, जो कि किसके इक्वल है, टी वन प्लस में टी टू,
T1 की वैल्यू कितनी है भाई? Vm by alpha. T2 की वैल्यू कितनी है? Vm by beta. क्लियर है? Now हम यहाँ से क्या निकालेंगे? T is equal to Vm by alpha plus Vm by beta. हमें क्या निकालना है? Vm की वैल्यू निकालनी है. क्या निकालनी है? Vm की वैल्यू निकालनी है. तो आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हो. कैसे निकालोगे भाई? ले लो आप इसका एलसीएम, अल्फा बीटा. यहाँ पर क्या हो जाएगा? बीटा Vm, अल्फा Vm. नाउ T is equal to अल्फा प्लस में बीटा Vm, अल्फा बीटा. तो आपकी Vm की वैल्यू क्या आ चुकी है? Vm की वैल्यू आ चुकी है अल्फा बीटा T अल्फा प्लस में बीटा. ये आपकी Vm की वैल्यू आ चुकी है. तो हमने यहां से Vm की वैल्यू क्या निकाली है? इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड टी. क्योंकि आपको तीन ही चीज गिवन थी आपको अल्फा बीटा एंड टी. T1 एंड T2 हमने खुद से माना है क्योंकि हमें पता है कि T1 से हम अल्फा निकाल सकते हैं, T2 से हम बीटा निकाल सकते हैं. लेकिन T1 प्लस में T2 किसके इक्वल आ जाएगा? टी के इक्वल आ जाएगा. निकालना Vm है तो आप एलसीएम ले लो और वहां से Vm की वैल्यू निकल कर आ चुकी है. तो आपकी यहाँ से जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो निकल कर आ चुकी है. नाउ हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी. नाउ आपको क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं. ड्यूरिंग दिस हमारी क्या हो जाएगी? Vm. ठीक है, यहाँ से जीरो से क्या आ जाएगी? Vm. और यहाँ से भी क्या हो जाएगी? Vm. तो नेक्स्ट हम निकालते हैं. एवरेज वेलोसिटी. नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन. डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपको गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एरिया अंडर कर्व. वीटी ग्राफ में अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट. क्या देगा भाई? डिस्प्लेसमेंट. ये एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ बेस इंटू हाइट. हाफ बेस क्या है? ये पूरा टी. और हाइट क्या है? ये हाइट आपकी क्या है? वी एम. ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट. हाइट आपकी क्या है? वी एम. तो नाउ हमने यहां पर पुट कर देते हैं एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी आपको गिवन हो जाएगी, ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रख देते हैं, हाफ वी एम टी. क्लियर है? टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना लगा है अभी इसको? टी लगा है. टी से टी कैंसिल. तो एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या निकल कर आई है? वी एम बाय टू. एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या निकल कर आई है? वी एम बाय टू. पॉइंट क्लियर है? तो यहां से हमने क्या निकाल दिया? एवरेज वेलोसिटी. एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं. ऑब्वियसली एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? सेम, क्योंकि ये एक ही सिंगल डायरेक्शन में है और सिंगल डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? सेम. तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को देखा. नाउ हमारे पास क्या है टॉपिक? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इस टॉपिक में अगर आप ध्यान से देखोगे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम कैसे बोलेंगे? एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कॉन्स्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ
इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, ध्यान से देखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं और जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वो किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर मूव करेगा तो हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म क्या बोलेंगे कि सर्कुलर पाथ में तो मूव कर रहे बट उसकी स्पीड क्या कर रही है, वेरी कर रही है हर एक पॉइंट पे। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो विद कांस्टेंट स्पीड तो दैट मींस वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लो कि मैंने इस पॉइंट पे देखा तब भी स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट पर देखा तब भी क्या है 10 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि इन हर एक पॉइंट पर जो स्पीड है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है। सर्कुलर पाथ है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, सेंटर। अब पॉइंट की क्या बात आती है कि इसमें जो स्पीड है वो हो जाएगी कॉन्स्टेंट बट ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डायरेक्शन, हर एक पॉइंट पे वो उसकी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डायरेक्शन एट ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट पे वो क्या कर रहा है भाई, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो अगर आप ये देखोगे, हम स्पीड को अगर बताएं तो स्पीड को कैसे बता सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से। लेकिन एक सर्कुलर पाथ में अगर आप डायरेक्शन को बताओगे तो आप डायरेक्शन कैसे बता सकते हो, टेंजेंट से। कि अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करती हूं एट दैट पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, हमें उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन गिवन होती है। तो अगर मैंने ये कहा कि मैग्नीट्यूड तो मैंने 10 मीटर पर सेकंड बता दिया लेकिन मैं यहाँ डायरेक्शन को कैसे बता सकती हूँ, तो मान लो कि मुझे इस पॉइंट पर अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूँ, इस पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर दूँ, उसका टेंजेंट। ऑब्जेक्ट अभी ऐसे मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन इस तरीके से मूव करने की है। अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है तो हम अगर ड्रॉ करेंगे तो हमारा ये होना चाहिए। अगर हमारा ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन इस तरीके से है मूवमेंट की, तो अब मैं जो पॉइंट ड्रॉ करूंगी वो इस तरीके से होनी चाहिए। पॉइंट क्लियर आपको? अब दूसरा पॉइंट क्या है कि जब भी मुझे डायरेक्शन को बताना हो किसी भी पॉइंट पे, तो आप डायरेक्शन को कैसे बता सकते हो, उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट। क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट। टेंजेंट हमें क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये हमें क्या दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ठीक है, सिंपली हमने बताया कि स्पीड हो गई, ठीक है, और साथ में क्या होगी, वेलोसिटी। अब आप एक पॉइंट देखो यहां पर कि स्पीड तो क्या रहती है, कांस्टेंट। स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट। लेकिन वेलोसिटी की जब बात करोगे तो वेलोसिटी के केस में क्या हो जाएगा, स्पीड प्लस में डायरेक्शन। तो स्पीड तो क्या है, फिक्स, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज। डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज। तो उसकी वजह से क्या होगा, डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से क्या होगा, हमारी जो बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी है वो वेरी करेगी। वेलोसिटी क्या करेगी, वेरी। तो इस हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी वेरी कर रही है, यानी वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम है बट ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी हमारी जो वेलोसिटी है वो भी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। और जब भी वेलोसिटी वेरी करेगी यानी चेंज इन वेलोसिटी होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, एक एक्सेलरेटेड मोशन है, इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आ गया क्यों है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। व्हाई, क्योंकि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो मोशन क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो अब पॉइंट आता है कि ठीक है, अगर हमारा एक्सेलरेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट रेट के साथ ही हो रहा है,
तो इसमें एक्सेलरेशन तो कॉन्स्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, बट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? तो हम यहां देख रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, या मैं बोल सकती हूं वेलोसिटी, वेलोसिटी या मोशन की डायरेक्शन है अलोंग टेंजेंट। क्या होगी? अलोंग टेंजेंट। क्लियर है? बट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी आपकी? टुवार्ड्स द सेंटर। क्या होगी? टुवार्ड्स द सेंटर। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये होगी हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन। और यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये रेडियस है, लेकिन टुवार्ड्स द सेंटर हमारी जो है वो क्या हो जाएगी? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास एक ऐसा केस है जिसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। आपका एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल, या ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर। क्योंकि जब आपने बॉल को थ्रो किया था, आपने बॉल को ऊपर फेंका था, तो हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही थी, ठीक है, और हमारी जो एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटी की डायरेक्शन ये थी। या हमारी बॉल अगर नीचे आ रही है तो ग्रेविटी की डायरेक्शन भी वही है और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी वही है। तो हम क्या कह रहे हैं कि यहां पर जो इस दोनों केस में, इस केस में हम क्या कह रहे हैं कि हमारी जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है और वेलोसिटी की डायरेक्शन वो उसके सेम या अपोजिट है, बट परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर कब होगी? जब वेलोसिटी तो क्या हो? अलोंग टेंजेंट, और हमारी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो टुवार्ड्स द सेंटर है, यानी अलोंग द रेडियस है। तो इस केस में हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। कि ये एक सर्कल है, ये आर है, और ये इसका क्या है? टेंजेंट। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर आपको निकालना हो स्पीड की वैल्यू, तो स्पीड हमारे पास क्या हो जाती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और डिस्टेंस यहां पर क्या हो रहा है? सर्कमफ्रेंस के इक्वल, 2πr/t। तो v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2πr/t। तो ये क्या हो गया आपका? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज में करके देखना। ग्राफ से रिलेटेड आपको और भी रेफरेंस बुक में, और भी अच्छी जो एनटीएससी की बुक्स हैं उसमें भी अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे।